महात्मा हंसराज जी की इस 156वीं जयंती पर आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद। महात्मा हंसराज जी को यह मंत्र विश्वानी देव का बहुत पसंद था। उन्होंने अपने अंतिम दिन पे खुशाल चंद जी को, जो बाद में महात्मा आनंद स्वामी बने, उन्हें बुलाया और उन्हें कहा मुझे ये मंत्र 21 बार पढ़कर सुनाओ। आइए हम उन्हीं की याद में एक बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नयासुव। जब जब भी हमें याद आती है महात्मा हंसराज की, तो याद आती है उनकी वो पैशन, उनकी वो लगन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। उन्होंने जितने भी आर्टिकल्स लिखे, जितनी भी स्पीचेस दी, हर एक के अंदर एक अच्छा इंसान और एजुकेशन में वैल्यू बेसिस रखने का एक हर वक्त एक रास्ता बताया। इसीलिए मैं ये कहा करता हूं कि डीएवी का हमारा ये निश है, इंसान भगवान बनाता है, इंसानियत डीएवी भरता है। मानव भगवान बनाता है, मानवता डीएवी भरता है। क्योंकि हम अच्छी तरह डीएवी में जानते हैं कि अगर एक चिड़िया ने भी ऊंची उड़ान उड़नी है तो उस चिड़िया को अपने दोनों परों में बराबर की ताकत चाहिए। और वो जब तक ना हो वो ऊंची उड़ान पर नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो हमें उसके दोनों पहलुओं पर बराबर की ताकत देनी होगी। एक तरफ मटीरियलिज्म, बेशक वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, उसे बढ़िया से बढ़िया बताइए, और दूसरे हाथ पर उतनी इंपॉर्टेंस के साथ उसे उसका स्पिरिचुअलिज्म समझाइए। तब उसके दोनों पहलुओं में बराबर की ताकत होगी और वो ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगा। क्या इस सब को करने के लिए, अगर मैं डीएवी के टीचर से गुजारिश करूं कि आपने पीछे इतना बढ़िया काम किया इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से, आपने जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, इतने अच्छे तरीके, अपनी एक एक दिन की तनख्वाह भी दी, इतना अच्छा काम किया कि मेरा तो दिल गदगद हो गया। लेकिन डीएवी में द रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क। इसलिए मैं अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्या डीएवी का हर शिक्षक एक धर्म शिक्षक नहीं हो सकता? Every teacher a moral preacher? जब जब भी आप अपना पीरियड लगाए, बेशक वो जौन सी मर्जी क्लास हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी हो, सिर्फ पहले 5 मिनट अगर आप एक अच्छा विचार बच्चों को दे सके, एक वैल्यू बेस्ड विचार उन तक पहुंचा सके, एक अच्छा इंसान बनाने का तरीका उन्हें बता सके, तो देखिए उसका लाभ। 34 लाख बच्चा आज डीएवी में पढ़ रहा है, तकरीबन 76,000 सेक्शन होंगे। अगर हर सेक्शन में 6 क्लास भी टीचिंग क्लासेस लगती हो, तो 4.5 लाख अच्छे विचार रोज के मेरे इन स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। कितना इससे भारत को लाभ होगा, और यही चीज महात्मा हंसराज चाहते थे। महात्मा हंसराज के दिखाए हुए इस मार्ग पर चलते हुए सही देश सेवा यह होगी हमारी। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं और एक श्रद्धांजलि देना चाहूंगा महात्मा जी को, जो कि मेरे भाई नरेंद्र जी ने मुझे एक शेर लिख के दिया कि रहेगा नौजवाने हिंद करजदार तेरा, था तू बागबां और डीएवी बाग तेरा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सब अपने घरों में सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। जय हिंद।